नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार डांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज मैं आपको बताऊंगा प्रबाल भस्म, जी हाँ प्रबाल पिष्टी जिसे कहते हैं, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। कौन कौन सी बीमारियों इसे ठीक होती है, कितनी खुराक लेनी है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप कुछ जानना चाहें वो भी पूछ सकते हैं, और प्रोग्राम से संबंधित कोई अगर सलाह देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखें तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, आप मेरे चैनल को इसी तरह ध्यान से सुनते रहिए, देखते रहिए। आज मैं आपको बताऊंगा प्रवाल पिष्टी। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेदिक में जो है प्रवाल पिष्टी एक अहम दवा है बुखार के लिए। जी हाँ, ज्वर यानी कि बुखार। आयुर्वेदिक में प्रवाल पिष्टी एक शक्तिशाली ज्वर नाशक औषधि है। शरीर के तापमान को कम करने में गोदंती भस्म की तुलना में इसके परिणाम बेहतर है। चिकित्सक खुराक में इसे लेने पर इसका प्रभाव इसके सेवन के एक घंटे के बाद दिखाई देता है। दोस्तों, जो व्यक्ति एसिटामिनोफेन लेते हैं उससे उनके शरीर का सिर्फ तापमान कम होता है, लेकिन वे कमजोर, बेचैनी, हतोत्साह और ताकत की कमी महसूस करने लगते हैं। प्रवाल पिष्टी के साथ ऐसा नहीं है दोस्तों। ये ज्वर और ज्वर के लक्षण जैसे गर्मी या जलन, अत्यधिक प्यास, अत्यधिक पसीना, अनिद्रा, चक्कर, बेचैनी, ताकत की हानि और कमजोरी को कम करता है। सामान्य ज्वर में ये बिना किसी अतिरिक्त दवा के अकेले ही काम करता है। बुखार के बाद अधिकतर मामलों में जीवन विकार और संक्रमण के बाद लोग थकना और कमजोरी का होना महसूस करते हैं। ये तो आम बात है दोस्तों, हम जब बुखार से जब निकलते हैं हो जाता है तो एकदम कमजोर हो जाता है शरीर, थकान सी लगने लगती है। चिकित्सकीय रूप में इस स्थिति को संक्रमण के बाद थकान के लक्षण कहा जाता है। इस प्रकार के थकान और कमजोरी को कम करने के लिए प्रवाल पिष्टी, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जिसे प्रवाल भस्म भी कहते हैं, बहुत फायदेमंद है दोस्तों। एकदम बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल जो थक चुके हैं, एकदम बिल्कुल जैसे कि आप बीमारी से निकले, एकदम कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो इसको ले। ये संक्रमण के बाद होने वाले सामान्य कमजोरी और शरीर दर्द को कम करता है दोस्तों। दोस्तों, कोई भी दवा ले आप। जी हाँ दोस्तों, मेरा हमेशा से आप लोगों से ये कहना रहा है कि जब भी आप कोई भी दवा ले, बिना डॉक्टरी सलाह की दवा मत लें दोस्तों, क्योंकि दवाई आपकी उम्र के हिसाब से दी जाती है। आपकी उम्र क्या है, और उम्र में भी ये भी देखा जाता है कि आपको इसके साथ कोई और बीमारी तो नहीं है, उसके आधार पे आपको दवा दी जाती है। तो कोई भी दवा अपने मर्जी से ना लें। ये दवा वो लोग ले सकते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ डॉक्टर दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं, सालों तक डॉक्टर दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे मामले में इन दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको डॉक्टर जैसे ही मिल जाए तो ये दवा ले भी रहे हो, तब भी आप उनके संपर्क में जाके उन्हें बताएं कि मैं इस तरह की दवाई ले रहा हूँ। तब डॉक्टर जो है आपको चेकअप करके बताएंगे कि ये दवा सही ले रहे हैं या गलत ले रहे हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ प्रवाल पिष्टी इसके बारे में। हड्डी की कमजोरी, यहाँ दोस्तों अगर हड्डी की कमजोरी है, प्रवाल पिष्टी हड्डियों की कमजोरी के उपचार के लिए आवश्यक खनिजों का एक प्राकृतिक स्रोत है। प्रवाल में कैल्शियम की अत्यधिक जैव उपलब्धता है दोस्तों। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 के अलावा मैग्नीशियम और अन्य आवश्यक खनिज होते हैं जो हड्डी के गठन में मदद करते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा में हथजोड़, अश्वगंधा, अभ्रक भस्म, मुक्ता शुक्ति भस्म, गोदंती भस्म, कुकुटांडत्त
भस्म जो अंडे के जो है छिलकों से बनता है, यानी और है यशद भस्म अर्जुन और अम्ला के साथ प्रबाल पृष्ठि हड्डियों के गठन की प्रेरणा करता है और हड्डियां उपास्थियां और जोड़ों को मजबूती प्रदान करता है दोस्तों। तो अगर आपके हाथों पैर में दर्द देता है, आपकी हड्डियां दर्द देती है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, तो प्रवाल पृष्ठि लीजिए, ये बहुत फायदेमंद है आपकी हड्डियों के लिए, तो जरूर लें, डॉक्टर की सलाह से लें। खुराक कैसे लेना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रवाल पृष्ठि की खुराक दिन में 2 या 3 बार, जी हाँ दोस्तों 2 या 3 बार, यानी कि सुबह शाम या सुबह दोपहर और शाम ले सकते हैं। एक बार में आपको 125 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक लेना है, इसके बीच आप ले सकते हैं, या तो 125 ले लें या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 500 मिलीग्राम तक ले सकते हैं। प्रवाल पृष्ठि की अधिकतम खुराक प्रतिदिन जो है 2500 मिलीग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों, ध्यान दोस्तों 2500 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पूरक खुराक 500 मिलीग्राम अधिकतम दैनिक पूरक खुराक जो है 1000 मिलीग्राम, चिकित्सक खुराक जो है 125 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम, अधिकतम दैनिक चिकित्सक खुराक जो होती है वो 2500 मिलीग्राम होती है। क्या क्या सावधानी और दुष्प्रभाव क्या है दोस्तों प्रवाल पृष्ठि के बारे में वो मैं आपको बता देता हूँ। प्राकृतिक मूंगा करेशन के कारण कई दुष्प्रभाव होते हैं। पहला वायु यानी सामान्य, दूसरा पेट की सूजन यानी दुर्बलता दुर्लभ, तीसरा असामान्य या अपूर्ण मल त्याग, चौथा पेट दर्द दुर्लभ, गुर्दों की पथरी अति दुर्लभ, भूख न लगना अति दुर्लभ। ये दुष्प्रभाव प्रवाल पृष्ठि या गुलाब जल के साथ संसाधित मूंगा कैल्शियम में नहीं पाया जाता। अधिकतर लोग में प्रवाल पृष्ठि पूरक के साथ ही चिकित्सक खुराक में भी संभवतः सुरक्षित है, तथापि प्राकृतिक मूंगा कैल्शियम के कारण ऊपर बताए गए, यानी कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको बताया था, दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इसलिए आपको इसे सावधानी से लेना है। मैं पहले से ही कह रहा हूँ दोस्तों कि ये सब दवाई जो भी आप लेते हैं ये डॉक्टरी सलाह से लें, अपना दिमाग ना लगाएं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो, मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जहाँ डॉक्टर आते जाते नहीं है वहाँ ले सकते हैं, वो भी तब तक जब तक कि आप डॉक्टर के संपर्क में नहीं आते तब तक आप ले सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। गर्भावस्था और स्तनपान, आयुर्वेदिक चिकित्सा नियमित रूप से संसाधित मूंगा कैल्शियम या प्रवाल पृष्ठि का उपयोग, जहाँ दोस्तों इसे मूंगा कैल्शियम भी कहा जाता है, प्रवाल पृष्ठि प्रवाल भस्म भी कहा जा सकता है, तो इसका उपयोग गर्भावस्था और स्तनपान में करते हैं, ये चिकित्सक की देखरेख में संभवतः सुरक्षित होता है दोस्तों। जब तक चिकित्सक आपको ये खाने की सलाह ना दे तब तक ना लें। गर्भावस्था या स्तनपान कराते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, कोई भी दवा अपनी मर्जी से ना ले, सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ले। विपरीत संकेत, रक्त में बढ़ा हुआ कैल्शियम स्तर प्रवाल पृष्ठि या मूंगा कैल्शियम का प्रमुख विपरीत संकेत है। औषधियों की परस्पर क्रिया, ये कुछ औषधियों के साथ क्रिया कर सकता है, इसलिए यदि आप कोई औषधि पहले से ही ले रहे हैं तो इसका उपयोग करने से पहले चिकित्सक से संपर्क जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, हमेशा से मेरा ये कहना रहा है कि आप अपने मर्जी से कोई भी दवाई ना लें, डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही जो है आप दवाई लें, अपने मर्जी से ना लें। दोस्तों आयुर्वेदिक चिकित्सा में प्रवाल पृष्ठि और मूंगा कैल्शियम एक ही चीज़ है, चाहे आप प्रवाल भस्म कह लें या मूंगा कैल्शियम भस्म कह लें, एक ही चीज़ है,
चिकित्सक लाभ और औषधि मूल्य के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। हिंदी और आयुर्वेदिक में प्रवाल को मूंगा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बोल रहा था। तो दोस्तों आपको ये जानकारी जो है ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।